फिटनेस के हिसाब से सभी लोग अगर आप अपनी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, मतलब आपको खुद चाहिए बताऊंगा जो आपकी ड्राइंग में कॉमन होती है, कॉमन यूज होता है इनका, और वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो फर्स्ट मैंने परचेज किए हैं कैमल के अक्रेलिक कलर ट्यूब्स, आर्टिस्ट अक्रेलिक कलर ट्यूब्स, 9 ml की एक आती है ये, कुछ ऐसे आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये कि 9 ml की आती है ऐसी बॉटल, और मैंने इसमें 12 शेड्स परचेस किए हैं। और अक्रेलिक कलर ट्यूब्स अगर आप खरीद रहे हो, ट्यूब्स खरीद रहे हो, तो आपको ये मिक्सिंग प्लेट या आप कोई भी ट्रे पे उसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने तो ये मिक्सिंग ट्रे खरीदी है, प्लेट कलर मिक्सिंग। अगर आप इसकी बॉटल्स ले रहे हो ग्लास की जो आती है, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ले रहे ना। एंड नेक्स्ट मैंने परचेस किया है ये डोम्स का कैनेबल इरेजर। ये आपकी जो पेंसिल है जो आपने ड्राइंग करी है वो आपको वो पूरा इरेज नहीं करेगा, तो ये एकदम पूरा इरेज नहीं करेगा, ये इरेजर ही होता है एकदम क्ले टाइप, ये ऐसी एकदम स्ट्रेचेबल क्ले होती है ये इस, और इसको आप अपने ड्राइंग पे कैसे भी रोल करके, ऐसे ऐसे रोल करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, और या तो फिर ऐसी ऐसी ऐसे मार के भी वो अच्छे से इरेज होता तो नहीं है अच्छे से, तो आपकी पेंसिल थोड़ी बहुत दिखेगी लेकिन ये आउटलाइन करने पर फिर ये नहीं दिखती। तो इसको रख देता हूँ जमा के अंदर। ओके नेक्स्ट है हमारा कैमलिन का बोल्ड ई, ये वाइट मार्कर है एंड इट इज़ सेम टू सेम लाइक अ पोस्का मार्कर्स। आपने देखा होंगे यूनिमॉल के पोस्का मार्कर्स आते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है, ये ऐसे साउंड करेगा, फिर आपको उसको ऐसे पेपर पे अप डाउन करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ ऐसी जैसे मैंने ये रेड कलर के ऊपर वाइट मार्कर चलाया, और उसको थोड़ा ड्राई भी होना चाहिए ना, नहीं तो ये एकदम वाइटनर जैसे हाथ लग जाते हैं, स्मज हो जाता है। कैमलिन का है ये वाइट मार्कर। एंड नेक्स्ट मैंने खरीदा है अपने जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उसमें हाईलाइट देने के लिए, जैसे लोग जो होते हैं वो मैकेनिकल इरेजर खरीदते हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है, लेकिन मैंने वो नहीं खरीदा, मैंने खरीदा है इरेजर पेंसिल, जैसे जो नॉर्मल पेंसिल होती है, जैसे मैं आपको एक दिखाऊं, ये है एक नॉर्मल पेंसिल, इसमें है ग्रेफाइट की लेड, ये जो ये ग्रेफाइट होती है, लेकिन ये भी एक नॉर्मल पेंसिल की लुक ही है, लेकिन जो ये है इसमें आपको ग्रेफाइट की निप नहीं मिलेगी, इसमें इरेजर की निप है, तो आप इससे हाईलाइट दे सकते हो और एकदम डस्ट फ्री है। और पीछे आप मेरे को एक इसका ब्रश भी मिला है। और नेक्स्ट मैंने खरीदा है बेस्ट थिंग आउटलाइन के लिए, जो कि है माइक्रो आउटलाइन पेन, इस ये है PN का माइक्रो, और ये आउटलाइन के लिए बेस्ट है। जैसे ये जो कैनेबल इरेजर होता है इससे आपने इरेज कर दिया, उसके बाद आप माइक्रो से आउटलाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और आती है माइक्रो की, जैसे ही चलता है वो होता है फ्लेयर हॉटलाइन फाइन लाइनर, जो आउटलाइन के लिए बेस्ट है, और वो आता है 15 rupees का, 10-15 का आता है। और नेक्स्ट मैंने लास्ट सेकंड थिंग खरीदी है ये 3 types के ब्रशेस। पहला है जीरो निप ब्रश, दूसरा है 4 number ब्रश, एंड नेक्स्ट भी है 4 number, लेकिन इसकी ये जो है ये थोड़ी ब्रॉड है, तो ये जो आपके जो बड़े चीज़ें आपको कवर करनी होती है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग जो कि मेरे को सबसे अच्छी लगी वो है ये स्केच बुक,
कोई कंपनी की स्केच बुक है, A5 है, और इसके अंदर है 40 शीट्स और 80 पेजेस। ये मतलब मेरे को ये स्पेरल करके आती है बाइंडेड ऐसा, एंड यहाँ पे आगे कोई डिजाइन्स बनी हुई है। और इसकी मेरे को सबसे मस्त लगी इसकी चीज, इट्स पेपर क्वालिटी। इसकी जो पेपर क्वालिटी है ना, कैनवास से कम नहीं है। इसकी पेपर बहुत थिक है, ब्राइट है और एकदम वाइट है, ब्राइट है एकदम वाइट है। ओके, और मैं आपको अब इसके सबकी प्राइस बताऊंगा। फर्स्ट थिंग ये है, जो कि मेरे को समथिंग पड़े हैं 400 के पड़े मेरे को। ये मैंने ये एक स्टेशनरी की दुकान से लिए हैं कोटा में, उसका नाम है ओम स्टेशनरी। अगर आप भी आते हो तो वहाँ पे आपको सारे पेन स्टेशनरी मिल जाएगा। तो ये है 300 की अक्रेलिक कलर ट्यूब्स, 9 ml, 12 शीट्स। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये मिक्सिंग प्लेट, मिक्सिंग प्लेट जो कि है 30 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की मिक्सिंग प्लेट है। और यहाँ पे आपको अपने ब्रशेज रखने की भी एक ऐसा कोने में ये ऐसा मिलता है, जो कि मेरे को मस्त तो लगा नहीं क्योंकि ये अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसकी प्राइस है 30 रुपीज़। एंड देन ये कैवलिन का जो वाइट मार्कर है, कॉपी ऑफ पोस्का मार्कर, ये है समथिंग 60 रुपीज़ का, है ना। उसके बाद ये इरेजर पेंसिल जो कि मेरे को मिली 15 रुपीज़ की, ये माइक्रो पेन जो कि मेरे को मिला 70 रुपीज़ का, ये मेरे को ब्रशेस, ये मेरे को दोनों 10-10 के मिले, जो 0 और 4, और जो बॉर्ड निप का है ये मेरे को 12 रुपीज़ का मिला। और ये मेरे को ये कैनिबल इरेजर जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये क्लियर टाइप इरेजर है, ये स्ट्रेचेबल, ये इसकी प्राइस मेरे को मिली है 60 रुपीज़। एंड लास्ट थिंग ये मेरी स्केच बुक, जिसके हैं 80 पेजेस 40 शीट्स, जिसकी प्राइस मेरे को मिली है 215 इसकी प्राइस है। और अगर और यही सब कॉमन चीज़ें होती है आपका आर्ट ड्राइंग के लिए, अगर आप अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाना चाहते हो तो। वैसे तो अच्छी ड्राइंग्स एनी कलर से, कोई भी कलर से बन सकती है अगर आप में टैलेंट हो तो। और ये सब सामान मेरे को समथिंग 1000 का मिला ये सारा सामान। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।